नमस्ते दोस्तों, मैं रंजीत सिंह सैनी, कैरियर कोचिंग सेंटर अलनवासी। तो डीएसएसबी के अंदर क्या सिलेबस आएगा, देखिए। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जूनियर लॉ ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, ग्रेड सेकेंड पब्लिक सिटी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर। ये जो पेपर है वो दो लेवल के अंदर होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 2 घंटे का होगा और सेकंड होगा 3 घंटे का, वन सीजन के अंदर होंगे दोनों। टोटल क्वेश्चन 200 नंबर के होंगे और जो थर्ड पेपर है वो भी 200 नंबर क्वेश्चन का होगा और टोटल मार्क्स 200 नंबर के, ये भी 200 नंबर के होंगे। टोटल मार्क डिस्क्रिप्शन ना के बराबर है और इसके अंदर भी ना के बराबर है, इसमें 50 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन के होंगे। सेकंड जो है टोटल मार्क इंटरव्यू के अंदर नहीं है, इंटरव्यू नहीं है इसको। तो ग्रेन टोटल 200 और उसमें 250 सिलेबस के अंदर आएगा क्या, देखिए ध्यान से। इसमें देखो ध्यान से, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी आएगी, अर्थमेटिकल, नंबरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। 20 मार्क्स के हैं प्रत्येक, 200 नंबर के मार्क्स है। और सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर 100 नंबर का होगा क्वेश्चन है, यानी कि ये टोटल 200 नंबर हो गए आपके। सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर भी 100 नंबर का होगा। उसके बाद के अंदर जो सेकंड पेपर है, जो सेकंड पेपर हमारा है वो ध्यान से देखो, इसके अंदर जो सेकंड पेपर के अंदर होगा जो सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन 200 मार्क्स के हैं रिलेटेड पेपर, 80% वेटेज होगा इसका। पेपर नंबर सेकंड डिस्क्रिप्शन 50 मार्क्स, एसे इन इंग्लिश, लेटर राइटिंग, एक्सपेंशन ऑफ आइडिया इन इंग्लिश। तो इसमें एसे इंग्लिश के 30 मार्क्स होगा और लेटर राइटिंग 20 नंबर के, तो इसमें ये 20% वेटेज होगा इसमें। उसके बाद के अंदर ये जो आपके थे क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आएंगे आपके, तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ मैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर 2 पेपर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, 200-200 नंबर के, टोटल मार्क्स 200-200, इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं, एक में है एक में नहीं है, और 200-250। इसके बाद में जो ये आपको परफॉर्मेंस बताया मैंने, मैं तो इसी के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सेंड कर सकूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।